का मतलब बहुजन समाज की जो अंधविश्वास, गरीबी और गुलामी मिटाए, वो प्रेरणा हमें उनसे लेनी है, वो हमें चाहिए। दूसरा बात, आज हमारे पास सब कुछ है, यानी कि तथागत बुद्ध, उनका ज्ञान रिटर्न में, लाखों करोड़ों फॉलोवर उनके, संत गुरु पीर पैगंबर हमारे, गुरु रैदास, कबीर साहब, सारे गुरु हमारे, उनके फॉलोवर हमारे पास, बाबा साहब हमारे पास रिटर्न में, उनका ज्ञान, फूले साहब का ज्ञान, संविधान हमारे पक्ष में, लोकतंत्र हमारे पक्ष में, वोट हमारी ज़्यादा, सब कुछ, और फिर हमारा मतलब ये हाल जो बेहाल हो रहा है। तो उनकी शिक्षा और आज वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उसमें कैसे कारगर साबित हो सकती है, यही आज के दिन मेरे ख्याल सबसे अच्छी बात है। उनकी शिक्षा से ले सकते हैं, उनकी शिक्षा जो प्रेरणा देती है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान कराती है और आंदोलन की, कि हम आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, केवल ये जो घटनाएं घट रही हैं ये दुखद तो है मगर ये निराश करने वाली नहीं है, ध्यान रखना। जो लड़ता है, जो आगे बढ़ता है, उसी के साथ फसाद होता है। तो हमारे लिए ये वैसे निराशा लगती है कि हमारे साथ हो रहा है, मगर ये हमारे आगे बढ़ने का संकेत है। इसको और अच्छे ढंग से हम इस आंदोलन के रूप में इसको कैसे बढ़ाएं, ये आज के लिए है। तो एक ही बात मैं कहूँगा कि हम समाज का निर्माण नहीं कर सके हैं। मैं हर जगह बोलता हूँ, पूरे भारत में अभी एक ही जाति खड़ी हुई है, लड़ाई लड़ रही है, जिसको चमार कहो, जाटो कहो, एक ही हकीकत है। उत्तर भारत में हम दूसरी जाति को खड़ा नहीं कर पाए हैं, तो हम तो उसी में लगे हैं कि दूसरी जो मुख्य जातियाँ शूड कास्टों की, दूसरी जो बैकवर्ड की जातियाँ हैं, दूसरी जो ट्राइब की जातियाँ हैं, उनमें अगर हम जाके ये प्रचार नहीं करेंगे, उनको तैयार नहीं करेंगे, तो आंदोलन बनने वाला नहीं है। तब जबकि हमारे पास सब कुछ है। तो आज के दिन जो उनकी शिक्षा यही कहती है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करके अगर हम बहुजन समाज को बचाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तैयार करते हैं, यही उनकी शिक्षा हमारे लिए आज के लिए चुनौती में सबक होगी और एक मशाल का काम करेगी। इन्हीं बातों के साथ, इतना अच्छा जिन्होंने आयोजन किया, उनको आभार व्यक्त करता हूं। मुझे समय दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।